फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल बट यूज़फुल कुकिंग टिप्स लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें, सो डेट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिकनिक में अगर जा रहे होते हैं तो खाना के साथ साथ कई बार होता है कि मक्खन को भी मक्खन ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पिघल जाती है और वो तो खुद पिघलती ही है। जिस एरिया में आप जिस सामान भी रखते हैं सबको ऑयली पूरा चिपचिप हो जाता है, दूसरे सामान को भी गंदा कर देती है। तो अगर आपको पिकनिक में जाना है और मक्खन भी साथ में लेके जाना है तो आप क्या करें, एक फ्लास्क में बर्फ़ के टुकड़े ले लें और उस फ्लास्क में बर्फ़ के टुकड़े डालकर फिर मक्खन की छोटी छोटी टिकिया जैसा काट कर उस इसमें फ्लास्क में डाल दें। तो इससे क्या होगा कि मक्खन पिघलेगी नहीं और सेफ रहेगी। कई बार क्या होता है कि खाना बनाते वक्त ऑयल जो होते हैं वो किचन में गिर जाता है, तो उसको उस वक्त साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि खाना बना रहे होते हैं। उस वक्त सर्फ साबुन या फिर कपड़े, गंदे कपड़े से उसे पोछने का से खाना भी असर हो सकता है। तो उस वक्त क्या करें कि तुरंत आप जहाँ पे भी ऑयल गिरा है वहाँ पे आटा छिड़क दें और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए किचन का तब आप उस ऑयल को जब आप साफ़ करोगे तो बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएगा और वहाँ पे दाग भी नहीं पड़ेगा। गर्मियों में क्या होता है कि घर पर जो दही जमाते हैं वो जल्दी खट्टी हो जाती है। ऐसे में अगर माइक्रोवेव या ओवन है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस माइक्रोवेव या ओवन में अगर आप इसको रखते हो तो दही जल्दी जम जाती है और जमने के बाद आप इसे तुरंत फ्रीज में रखते हैं, इससे क्या होगा कि दही जो है खट्टी होने से बच जाएगी। और अगर फ्रीज नहीं अवेलेबल है तो आप एक कटोरी में पानी भर लें अंदर इसमें दही वाले बर्तन को रख दें, इससे क्या होगा कि काफ़ी लंबे समय तक दही को खट्टे होने से, ज़्यादा खट्टे होने से बचाया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि टमाटर के स्लाइस करते वक्त ये ठीक से नहीं कटते हैं और इसका कारण यही होता है कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको सलाद के लिए टमाटर काटना है तो आप क्या, अगर कट नहीं पा रहे, सॉफ्ट हो गए हैं, तो आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए टमाटर को फ्रीज में रख दें। या फिर आप ये काम और कर सकते हैं कि एक बॉल में पानी लो एंड देन उसमें थोड़ा नमक ऐड करें एंड देन इस ठंडा पानी लेना है उसमें नमक ऐड करना है देन इस पानी में टमाटर को थोड़ी देर तक के लिए डुबो कर रखें और देन इसके बाद जब आप इसे काटोगे तो ये बिल्कुल आसानी से कट जाएंगे। जब भी लौकी की सब्जी बना रहे होते हैं और हमें पूरा नहीं बनाना होता है, हाफ स्टोर करना होता है, तो इसको स्टोर करने का सही तरीका यही है। होता क्या है कि अगर आप इस तरह इसको फ्रीज में स्टोर करोगे तो ऊपर का जो पार्ट है वो काला हो जाएगा। तो इस लौकी को फ्रेश रखने के लिए आपको क्या करना है कि फॉइल लेना है और उसे जिस तरह मैं लपेट रही हूँ ठीक उसी तरह आप लपेट दें, इससे क्या, देन आप इसे फ्रीज में रखें तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे। जब भी हम लोग फ्रीज से बटर निकालते हैं यूज़ करने के लिए तो काफ़ी हार्ड हो जाता होता है और स्प्रेड करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप क्या करें, ग्रेट कर दें, कद्दूकस कर लें इसको, जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह कद्दूकस कर लें, जितना भी आपको यूज़ करना है उतना कद्दूकस कर लें एंड देन आप इसको जब आप नाइफ़ की हेल्प से स्प्रेड करोगे बटर इसमें ब्रेड पे या फिर रोटी में तो ये बिल्कुल आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। जिस भी बर्तन में हम लोग दूध उबालते हैं उस बर्तन के नीचे में अगर आप तली में देखोगे तो दूध जमा हुआ रहता है,
तो इसे बचने के लिए आप क्या करें, जिस भी बर्तन में आपको दूध उबालना है, सबसे पहले उसमें थोड़ा सा गर्म पानी लेकर के उसमें थोड़ा उबाल दें, पानी गर्म कर दें। एंड देन इस गर्म पानी में आप दूध को डालें और उबालें। इससे क्या होगा कि जो बर्तन में आप दूध उबालोगे उस बर्तन के तली में दूध नहीं बैठेगी। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।